जनपद अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी, 171 में से 121 पदों पर भाजपा का कब्जा। सीएम शिवराज ने दी सभी को शुभकामनाएं। खंडवा में पेड़ पर लटकी मिली तीन बहनों के शव, पुलिस को आत्महत्या की आशंका। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। स्नातक सेकेंड ईयर के रिजल्ट को लेकर विवाद, नई शिक्षा नीति के तहत नियम बना परेशानी का कारण। सेकेंड ईयर फेल हुए बच्चों को दोबारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन का नियम, कई बच्चे विरोध दर्ज कराने पहुंचे विश्वविद्यालय। रिजल्ट के लिए करेंगे कॉपियों की सैंपलिंग। 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए दस्तक अभियान, इंदौर में अब तक 178 बच्चों में मिली खून की कमी। 6 बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल किया रेफर, 8 सितंबर तक चलेगा दस्तक अभियान। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस धरातल में जा रही है। पीसीसी कमलनाथ के समय में केसीसी हो गई है। गृहमंत्री ने पूछा सवाल, कांग्रेस ईडी की पूछताछ से क्यों है परेशान। उज्जैन में जनपद चुनाव में कांग्रेस जीती, विधायक मनोज परमार और डीएम की बहस, कलेक्टर और विधायक में जमकर हुई बहस। एमजे मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामला, प्रारंभिक जांच में हो रहे चौंकाने वाले खुलासे। पीड़ित के साथ गलत व्यवहार के साथ शारीरिक प्रताड़ना भी हुई। पीड़ित ने मोबाइल चैट के स्क्रीनशॉट, वीडियो ऑडियो क्लिप भी दिए। एंटी रैगिंग कमेटी व पुलिस की जांच जारी। इंदौर जू में आया किंग कोबरा, दुनिया का सबसे जहरीला सांप है किंग कोबरा। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत देहरादून जू से लाया गया, आमतौर पर दक्षिण एशियाई देशों में पाया जाता है किंग कोबरा। ग्वालियर में वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर सेंटर का निरीक्षण करने के निर्देश। टीम को निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट पेश करना होगी। टीकमगढ़ जनपद अध्यक्ष के चुनाव के दौरान विवाद, तहसीलदार और थाना प्रभारी में हुई बहस। बलदेवगढ़ तहसीलदार व पलेरा थाना प्रभारी में नोकझोंक।